यहाँ बस स्टैंड के आसपास दुकानदारों की ओर से जो अवैध कब्जे किए गए हैं उन्हें हटाने का काम फिर से पीडब्ल्यूडी ने शुरू कर दिया है। इन दुकानदारों को पीडब्ल्यूडी की ओर से नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इन दुकानदारों की ओर से अवैध कब्जों को अपनी ओर से नहीं हटाया गया। अब जेसीबी के माध्यम से विभाग के इन्हें हटाने का काम तेज कर दिया है। किन लोगों को नोटिस जारी किए थोड़ा आज के बारे में? सर बेसिकली ये ज्वाइंट वेंचर है, इसमें हमें मध्य जो डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर है उनके निर्देशानुसार ही जो एनक्रोचमेंट आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो उन लोगों को नोटिस जारी करके उन एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। सर पीडब्ल्यूडी विभाग से लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि सर पीडब्ल्यूडी विभाग अच्छे काम कर रहा है, और सर दिक्कत है, सर रोड भी काफी खुला रहता है। इसमें कोई तारीफ वाली तो बात ही नहीं है, जो हमारी ड्यूटी है वो हम वही काम कर रहे हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हम ये फुटपाथ की कंस्ट्रक्शन वो फेज मैनर में कर रहे हैं। अभी जो हमारे पास स्टेट पीडब्ल्यूडी के पास जो स्ट्रेचेस बची हुई जहाँ पे हमने ये काम करना है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे हमने स्ट्रेच ली है बस स्टैंड टू भोटा चौक। अगर ये स्ट्रेच हम विदिन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम पूरी कर देते हैं तो इसके बाद फिर हमें टुवर्ड्स अनु चौक जो बाकी फुटपाथ का काम बचा हुआ है उसको हम शुरू कर देंगे। थैंक यू।